दें कि अमृत महोत्सव अंतर्गत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर कार्यक्रम हुआ भाटापारा के नगर भवन में, जहां पर हितग्राहियों को दी गई विद्युत संबंधित जानकारी। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक विद्युत विभाग ने उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और इसी क्रम में आज नगर भवन में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार ने लोगों के जीवन शैली में बदलाव और विद्युत विभाग ने किस तरह समाज के अंतिम छोर तक कैसे उजियारा पहुंचाया, उस विषय में प्रोजेक्टर व गीत संगीत के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई। हालांकि इस बृहद कार्यक्रम की जानकारी व सूचना जनप्रतिनिधियों और आम लोगों तक नहीं पहुंचने से जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जाहिर की है, और इस कार्यक्रम में बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय, कृषक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, श्रम मंडल सदस्य सतीश अग्रवाल, मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा, साथ ही में सुनील महेश्वरी आदि जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरिता ध्रुव की रिपोर्ट। आज ऊर्जा विभाग द्वारा अमृत महोत्सव के अवसर पर उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य का कार्यक्रम रखा गया, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी के 75वां वर्ष यह वर्ष है, और लंबी गुलामी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश ने त्याग तपस्या बलिदान देकर इस देश को आज़ादी दिलाई, और ये वर्ष 75 वर्ष अमृत महोत्सव है, उसमें ऊर्जा विभाग के द्वारा यह सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इन 75 साल में जो हमने ऊर्जा के विभाग में प्रगति की है, गांव-गांव बिजली पहुंचाई है, लोगों की सुविधाएं दी हैं, निश्चित रूप से ऊर्जा या बिजली हर उन्नति के लिए आवश्यक है, चाहे कृषक हो, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में कदम कदम पर बिजली के बिना कोई उन्नति नहीं। ये आज़ादी की 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के इस अवसर पर विद्युत विभाग द्वारा बृहद जिला स्तरीय कार्यक्रम आहूत किया गया, और भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की जो प्रयास रही है विद्युत विभाग में अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उसके घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए, इन सभी विषयों पर आज हमारी सरकार के तरफ से जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर एक संगोष्ठी की तरह, नुक्कड़ की तरह, नाटक के माध्यम से और विभाग के तरफ से जानकारियां दी गई है, लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं पूरे जिले वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को इस आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर आप सबको मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। देखिए, चूंकि विभाग का काम है लोगों को सूचना देने का काम रहता है, आमंत्रण करने का काम रहता है, हमने मंच में भी कहा है, अगर कुछ लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाई हो या विभाग से कहीं कुछ हुई हो, तो उसके लिए हम सबने बोला है कि इसको अन्यथा ना ले, क्योंकि ये आजकल व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल जाती है। तो आप सबको ये विभाग ही को पूछे तो ज्यादा अच्छा है। जैसा कि हमारे अधीक्षण यंत्री महोदय द्वारा बताया गया, यह कार्यक्रम केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आजादी के 75वां साल के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है पूरे भारत देश में। इस तारतम्य में बलौदा बाजार जिले के बलौदा बाजार एवं भाटापारा दो जगहों पर ये कार्यक्रम होना था। पहले जिले के पहला ये कार्यक्रम था, जिसमें माननीय चंद्रदेव राय जी मुख्य अतिथि एवं श्री सुरेंद्र शर्मा जी की अध्यक्षता एवं अन्य गणमान्य नागरिक, कलेक्टर साहब, हमारे पूरे बिजली कंपनियाँ, NTPC, क्रेडा, CSPDCL सभी के अधिकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम में का आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं। मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस सफल आयोजन के लिए।